ये देखो पूरा भूतिया है ये, यहाँ मना करती है और मेरे हमारे मम्मी वगैरह सब मना करते हैं। तो बताइए पता नहीं यहाँ पे क्या है भाई। देख उस दिन मैं यहाँ तक आया था स्नैप देखे थे हाउस नंबर 456 सुन यहाँ तक मैं आया था, मैंने स्नैप भी भेजी मम्मी ने क्या चिल्ला के बुलाया था मुझे याद है। और यही तो है, यहीं तो आ रहे थे जब घर जा रहे थे तो हमने रख दिए बैग। शोरूम से वो क्लिप मैं अभी तो मैं दिखा दूंगा, इंट्रो आप बना रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी उठ के टाइम से गया था क्योंकि कुछ काम था और कार भी डिले हो गई, वो तो मैं आगे वीडियो में दिख जाएगा, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। मैंने घर आके फिर से कपड़े चेंज कर लिए तो अभी मैं इंट्रो अब बना रहा हूँ, तो जो तुम देखोगे मैं अभी ऐड कर दूंगा, तो घर आके मैंने इंट्रो बनाया है। ठीक है मैट ऑरेंज है भाई, हम आ गए शोरूम और अभी हम बैठे हैं हाई राइडर में टॉप मॉडल, चेक कर रहा हूँ मैं तो बस बैठ के कैसी है ये, बहुत चल रही है ना आजकल ईवी मोड, ईडी वेंटिलेटर सीट्स एंड लेदर फिनिशिंग है पूरी, क्या तगड़ा इंटीरियर है सामने और एम्बिएंट लाइटिंग और होती ना मज़ा आ जाता, ये छोटी सी है वो दिख रही होती तुम्हें, तुम्हें पता है इसके शीशे भी हल्के टेंटेड हैं, माय कंपनी फिटेड। ये सबसे बढ़िया लगता है लेदर है ना जो इस पर, बाकी पुराने वाले ब्लॉग में तुम्हें सारा दिखाई दिया। और ये ऊपर का सनरूफ है ना, देखो लाइट आती है ऊपर से, बड़ा हल्का कपड़ा है इसका। ये है इनोवा आई क्रॉस, इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, आई राइडर कितनी बढ़िया भाई इससे, एक्सयूवी में बहुत ज़्यादा लग्जरी है इससे, तो भाई काफ़ी बेसिक सा दे रखा है उन्होंने। ओ भाई साहब बंद करो, कैमरा गंदा है थोड़ा, थोड़ा माफ़ करना, लेकिन इसकी गियर यहाँ पे है ऊपर की साइड, स्क्रीन देख लो कितनी बड़ी है भाई, ये चार्जिंग पॉइंट भी यहीं पे दे रखा है इसका। हाई क्रॉस में पहली बार बैठा हूँ इस वाली में, ओह माय गॉड स्पोर्ट भी बड़ा है तो, ये भी बढ़िया है। चलो स्टार्ट बटन कहाँ है इसका, हाँ ये रहा पुश बटन, चलो फ्रंट देखो तो ना कितनी बढ़िया वैसे भाई। हम आ गए लेजेंडर में, तो ये देखो इंटीरियर देखो, इसमें नहीं देखा मैंने तो देखा था पहले भी, स्क्रीन सही यार इसकी, सनरूफ तो कभी आएगा ही नहीं, हो सकता है नई वाली में आ जाए, चुनौती गैस ओल्ड, हमारे जो ओल्ड फॉर्च्यूनर थे उसमें भी यही था, डिपेंड करता है 4x4 60 के अराउंड पड़ती है और नॉर्मल 4x2 52 तक, इतनी पुरानी चीज़ है इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ ये हमारे ओल्ड फॉर्च्यूनर में भी था और आज भी है ये, मतलब एक चीज़ तो है बस गाड़ी में दम है, वैसे है वही सेम, गियर सेम है, इंटीरियर सेम है और सनरूफ पूरी सेम है और ऊपर से देख पूरा सेम है, ऐसी थी हमारी ओल्ड फॉर्च्यूनर एंशिएंट, और 2012 वाले की बात कर रहा हूँ जो 2012 में मॉडल आया था ना ओल्ड शेप, वो थी हम पे ग्रे कलर की पहले दिखाऊंगा, तो है अभी नए वाले एंडेवर का हम देख रहे हैं, तो अभी उसे आने तो दो पहले, बाकी इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, इसमें तो भक्ति होगी बहुत तेज, बाकी ज़्यादा कुछ फीचर्स में है नहीं खास। फीचर्स दिखाता हूँ यार, इसको देख के मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर की याद आ गई, चार्जिंग पॉइंट चलो इसमें भी दोनों है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, वही बेसिक नॉर्मल। अब दिखाऊंगा तुम्हें कैमरी, कैमरी नाम है इसका, क्या नाम है, हटियो ये प्रॉपर लग्जरी, ये भी उसी रेंज में आती है इसमें फॉर्च्यूनर लेजेंडर आती है। ओ माय गॉड ये तो भागती होगी और बैठती, वो वाली फीलिंग आ गई भागने वाली, सर छोटू सा गियर है छोटू सा, ये इसकी स्क्रीन, ये इसकी वो छोटी सी एम्बिएंट लाइटिंग ऐसे हाईलाइटर में है, बोलो ये क्या है पीछे आके देखता हूँ रुको एक बार, और इसमें कंपनी फिटिंग शेड्स भी हैं, इसको तो इसका चलाने में नहीं होगा तो बढ़िया है।
वही देख रहा था मैं, अभी आके देखूंगा। बाकी फीचर्स भी इसमें ज्यादा खास है नहीं, लेकिन इसमें ये दिया गया है, ये मैनुअल है, देख कर मैनुअल है ये भाई। मैं इसमें तो मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हूँ हाइट में, इतनी ज्यादा 6 फुट भी नहीं है मेरी, तो जब भी देखो मेरा पैर अड़ रहा है इसमें। स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आ रही है, स्पोर्ट्स कार में आती है ना, उसमें भी सेम पैर अड़ता है भाई। बट हाँ, बाहर से क्या लगती है, नाइस। अब पीछे दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो बहुत नीचे ऐसा लगा रोड पे बैठ गए। अरे कंपनी फिटेड शेड्स, नीचे कैसे होते हैं, यहाँ कैसे होते हैं पता नहीं, छोड़ो ये दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या सीन है, ओ अच्छा, ये देखो आवाज सुनो, ये देखो, ये पहली बार देखा है मैंने, झूठ बोलो, लग्जरी तो है ये। और ये देखो इसमें सामान रखने का है, कैसे होता है ये देखो, और लाइट ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ तुम सामान रख सकते हो। वे तो पूरी, हाँ ये तो पूरी डिग्गी आ गई, क्या बात है, प्रॉपर लग्जरी, ये बढ़िया लगा मुझे। और ये क्या है, लो भाई इस पर तुम अपनी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, फास्ट चार्जिंग के चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर बिल्कुल यहीं पे दिए हूँ मैं। ये है कैमरी लग्जरी, ठीक है, लाइट्स क्या है, तो चलो, और डायमंड लगा रखा है क्या, सॉरी एक नंबर गाड़ी। फिर से हम आ गए भाई, बात तो है यार गाड़ी में, मैं पहली बार बैठा हूँ जिंदगी में, लेजेंडर माननी पड़ेगी, कुछ खास नहीं, ठीक है 60 लाख इसमें फीचर नहीं है वो सच है। देख यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी है, कहाँ है ये री? लेकिन बात है गाड़ी में, भाई गाड़ी में मैं पहली बार बैठा हूँ, जैसे ही मैं बैठा मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हूँ, इतना ऊंचा, मैं लिटरली सीट नीचे करी पूरी नीचे है। अब मैं हैरान हो गया, मैं आज तक थार में साइड में जो स्टेप होते हैं आज तक इसमें पैर रखे थार में नहीं बैठा, सीधा गाड़ी में चढ़ता हूँ, इसमें बैठा नहीं गया मैं सीधा, बट ऊंची तो पैर रख के चढ़ाऊं मैं, थार से भी ज्यादा ऊंची है। कैमरे कितनी सी लग रही है इसके भाई, यार नहीं यार देख बात तो है भाई गाड़ी में, यहाँ पैडल सिस्टम भाई क्या चाहिए गाड़ी में यार, इतना फ्री में पैडल शिफ्टर गियर चेंज लेकिन अब फॉर अ रीजन 16, 17, 18 को मिलेगी गाड़ी, डिले हो गया और इतने उसमें डिले ही हो रहा है, पहले नंबर प्लेट नहीं मिल रहा है ना, देख जितना जो होता है अच्छे होता है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी 14 यार माँ कसम मैं जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ, मेरे को मजा आ गया बैठा। बाकी हमें नंबर वगैरह भी मिल चुका है, मैंने गाड़ी बता दिया होगा, आज फॉर्च्यूनर नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर नहीं, वरना कंपेयर कर लेते भाई, आज गाड़ी में दिल इंटीरियर में ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जो वही है, टोना फील हो रहा है गाड़ी में, वो तो होगा ही। नॉर्मल फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में मतलब डिफरेंस भी दिखता है, माइनर डिफरेंस है ज्यादा बड़ा, लुक का मेन है, फ्रंट का पीछे सेम है दोनों, फ्रंट का लुक पूरा है, छत काली है, उसकी छत काली नहीं भाई, फॉर्च्यूनर थार की वो टक्कर नहीं, और स्कॉर्पियो की सिर्फ लुक के लिए, और एंडेवर की, अब वो एस सून एंडेवर या फॉर्च्यूनर सारे पैसे ही टोने के लिए, या कोई लग्जरी और डीबीएमडब्ल्यू कोई भी आ सकता है, बहुत जल्द पहले एंडेवर को आने दो, नहीं टोने के ही तो पैसे ले रही हैं, तो भाई बूट स्पेस चेक करते चलो इसकी, आ जा। ओहो फीचर भाई देखो, फीचर्स जो इसका स्पोर्टी लुक आता है ना यार, ये इसके 10 लाख एक्स्ट्रा फालतू है, लेकिन भाई ये जो है ना गाड़ी में जो दम है इंजन में, मतलब इसी के पैसे है 10 लाख। स्पोर्टी लुक इतना प्यारा आ रहा है इसका, देखना नॉर्मल वाली से बहुत ज़्यादा प्यार लगती है, इसको पूरी ब्लैक है ऊपर से, और इसका भी बूट खोलेंगे सेंसर से, पैर करिए नीचे से, पे नहीं है, तो मैंने भी ऐसे देखा है कि वो ऐसे लगते उस घर में ले। आप करिए पैर खुल गया, नाइस ब्रो, ये यार इसमें नहीं है ना हाई राइडर में
और इस पे बटन भी है, बूट स्पेस बहुत तगड़ी है यार, बहुत है यार। फॉर्च्यूनर में इससे कितनी कम थी? बहुत कम थी इससे तो, ना पागल है क्या? फॉर्च्यूनर में इतनी सी थी, इतनी सी। ये वही सेम चार्ज वाज या कुछ करना हो, अरे वो मान लिया मैंने कि गाड़ी में यहाँ लाइट भी नहीं थी पीछे, कुछ भी नहीं था फॉर्च्यूनर भाई। और उधर 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 ये देखना है मुझे, हटो आइए। प्यार से लग गई नहीं आप बाकी कैमरे लोग कितने प्यारे लगते हैं, इसके अलावा चेक करो इतने प्यारे यार, इतने प्यारे। बाकी बाय 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 बाय, चलो भाई निकल रहे हैं हम शोरूम से। हाँ ठीक है, अब गाड़ी ये भी हाइलाइटर वाइट कलर में, चलो चलते हैं। तो भाई हम निकल लिए शोरूम से घर के लिए, फिर घर के बाद सीधा निकलेंगे फरीदाबाद मम्मी को लेने जाना है। घर पहुंच चुके हैं हम लोग, घर पहुंचने वाले हैं। और शोरूम में जो भी काम था हमारे डॉक्यूमेंट्स का वो भी हो गया, बट गाड़ी डिले हो गई, अब दो तीन दिन बाद और मिलेगी, एक हफ्ता मान के चलो अब। हाँ तो मौसम बढ़िया हो, दो तीन हफ्ते, दो तीन दिन जा समय के पास। निकल रहे अब हम फरीदाबाद के लिए, और फिर से मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बाकी अभी हम जा रहे हैं लेके। एक तो ये समझ नहीं आता कि ये पिंपल घर में आते ही कैसे आ जाते हैं। देखो फिर से भर गया मुँह, अच्छा खासा स्किन केयर करके बढ़िया कर दिया था। तो अब हम निकल लिए, मौसम बारह तो देख सकते हो कितना अच्छे हो रहे हैं। बाकी सनरूफ खोल के जाएंगे हम। हियर्स हरियाणा का जाट by Raju Punjabi and Parmeet Singh on Amazon Music. दिखा दो कोई मारे जैसा, बिंदी के अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे ही पैसा ही पैसा। क्या बात आ रहा है, तकड़ा मौसम। तो अभी हम जा रहे हैं भूतिया घर, बाहर से भूतिया सा है। तो देखो पता कैसे भूतिया है, ये देखो ऐसे क्या हुआ, कुछ ये देखो पूरा भूतिया है ये। यहाँ मना करती है, और मेरे हमारे मम्मी वगैरह सब मना करते हैं। स्टोरी बताइए कुछ है? पता नहीं यहाँ पे क्या है भाई, देख उस दिन मैं यहाँ तक आया था, स्नैप देखे थे हाउस नंबर 456। सुन यहाँ तक मैं आया था, मैंने स्नैप भी भेजी मम्मी ने, क्या चिल्ला के बुलाया था मुझे, याद है? और यही तो है, यहीं तो आ रहा था जब घर जा रहे थे। तो हमने रख दिए पैर, पैर बहुत सोच समझ के रखना, कहीं टूट का उठ के पैर लग जाए ना दिक्कत बन जाएगी। गेट देखना आगे, मैं ये तो कह रहा हूं सही में देखियो, घर के एकदम बीच में पीपल का पेड़ देखो ना, सही में पीपल के पेड़ भूत बैठते हैं तेरी, सही घर के एकदम बीच में है भाई साहब। और अंदर चल लो, सही में दिक्कत परेशानी हो गई है, वही टूट का उठ का भाई पता चले यहीं गड्ढा हो, क्या पता। चलो भाषा ये प्रैंक कर रहा हूं, अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। तो कह रहा सीढ़ी टूट गई, हम फंस गए यहां पे भाई, कितना प्यारा वो रहा देखो। तो बता दिया ना मैं जाके, कुछ नहीं हुआ, नीचे है हम गए नहीं, गाड़ी में बैठे हैं भाई। ये तो अब तुम बाबा के डरा में सोई बता रहे हैं। चलो एक तो देख ले, अब दूसरा दिखाऊंगा तुम्हें। शेर बाकी हमने स्नैप भेजी थी, तो भैया ने कॉल करके मम्मी से बोल दी कि बच्चे कहाँ घूम रहे हैं और फैमिली वालों ने, तो हम वहाँ से आ गए और बाकी यहाँ आके इतनी सारी चीज़ें बता दी। तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, मान लेते घर वालों की बात। तो भाई इसमें हम गए थे जिसके लिए इन्होंने बता दिया कि भाई बहुत पता नहीं, रुक जाओ इसका बता दे इन्होंने क्या क्या सीन है। और ये भी है इसमें भी सेम ऐसे कुछ सीन है, लेकिन हम उसमें गए थे लेकिन अंदर नहीं गए, पूरा थोड़े गए थे। तो उससे पहले अगर कुछ कोई बोले, बाकी तो थोड़े बाद रोक गया। तो
दुकान है ठीक है, इसे लड़ाई चल रही है यहाँ पे। ले उसने कम दे दिए होंगे, उसने अपने पूरा लटा दिया ऑफिस। बता भाई 10-20 रुपए तक कमाते हैं उनसे भी, अगर इसमें भी कम कराओगे तो क्या, इसलिए उसने चारे ने पूरे दे दिए, गिने चुने तो नहीं मिलते हैं उसमें से भी कम करा लेते हैं लोग। बताओ 10-20 में क्या ही चला जाएगा। सामने टूटी है, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अरे नॉर्मल, अच्छा लड़की चला रही है, लड़की चला रही है। भाई ये पेड़ गिर गया तारों पे, कुछ ठोक ठाक दिया हुआ कुछ। हमारे न्यू गाड़ी के मैट्स वगैरह आ गए, हमने ऑर्डर करके मंगा लिए थे पहले ही। गाड़ी वैसे आज हम लेने वाले थे, आज आने वाली थी, लेकिन फॉर अ रीज़न डिले हो गया, जो तुम्हें मैंने बता ही दिया था कि वो अब लेट आएगी 16-17 को। तो इसके अंदर उसके 70 मैट्स हैं, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। और यही जो हमने एसयूवी में लगा रखे हैं वही हमने इसके मंगाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो मैट्स। भैया वो ब्लॉग बना रहा ऐसा ही है। भाई ये ब्लॉक करते हैं यहीं पे एंड, और डिलीवरी का डेट अभी तक नहीं निकली है, बट ये मान के चलो 16-17 को हम ले लेंगे। तो अब हिसाब से देख लो, एक दो दिन बाद उसकी ब्लॉक आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से लेंगे डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। बाकी गेस करो कौन सी गाड़ी हम ले रहे हैं, कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा लग रहा है कि हम कौन सी ले रहे हैं। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब कर दें फिर नहीं कटा। अब बाल भी देखो कितने बड़े हो गए, अब कटवाऊँ हुआ है बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, अब तो सेट भी नहीं होते। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।